इस वक्त हम मंडी हाउस में मौजूद हैं। यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं सारा आकेश फाउंडेशन के कुछ मेंबर्स जुड़े हुए हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं इनकी जो फाउंडेशन है किस लोगों के लिए किस तरह से हेल्प करती है और इनका क्या करना। मैडम आपका नाम जी? नमस्कार, मैं वीना वादिनी, मैं सारा आकाश फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और आज आपके माध्यम से हम लोग बताना चाहते हैं कि हमारा जो फाउंडेशन है वो बेसिकली महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है। महिलाओं के उत्थान के साथ साथ हम लोग बच्चों के एजुकेशन पे, पर्यावरण संरक्षण पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी वेबसाइट है और सोशल मीडिया पे हमारा पेज भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं कि हमारे काम जो है उनका ब्यौरा पूरा उसमें दिया हुआ है। महिलाओं के लिए आप किस तरह से आवाज़ उठाते हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरह ज्यादती होती है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही, तो उसलिए आप जो आवाज़ उठाते हैं उस किस माध्यम से उठाते हैं जी? जो आपने प्रश्न पूछा है, प्रश्न जो है आज की समसामयिक स्थिति में बिल्कुल सटीक बैठता है। आज जो ऐसी भी स्थितियां आप देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को जागरूक होने की बहुत आवश्यकता है। तो हम लोग जो हैं, जो हमारे टीनेजर्स जो लड़कियां हैं उनको हम लोग एजुकेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि किस तरीके से वो अपनी रक्षा और सुरक्षा कर सकें, मतलब सेल्फ सेल्फ डिफेंस के माध्यम से उनको हम लोग, बिल्कुल आपने सही कहा कि सेल्फ डिफेंस के माध्यम से हम लोग उनको जो है उनको जागरूक बनाते हैं, साथ में उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हैं कि अगर इस तरीके से कोई भी चीज़ें होती हैं तो कैसे अपनी रक्षा करनी है और कौन से नंबर्स हैं। ऐसे बहुत से नंबर हैं, वो नंबर उनको मुहैया करवाए जाते हैं कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर अपने हेल्प के लिए कॉल कर सकती हैं। जैसे आपने देखा और आप लेडी हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से जानती होंगी कि ऊपर वाले ने औरत को एक हिस दी है, तीसरी हिस जिसको बोलते हैं कि वो इस बात को अच्छे से फॉलो करती है कि सामने वाला मुझसे किस वे में बात कर रहा है। हाँ। अगर वो इस बात को देखने के बाद भी इग्नोर करती है तो वो इसमें फंसती है, अगर उस बात को देखने के बाद वो उजागर हो जाए या किसी दूसरे उसके साथी उसको समझाए तो उसमें काफ़ी उसमें जो जी बिल्कुल आपने जो बात बोली ना, जो हिज वाली आपने जो बात बोली कि हाँ वो ना लेडीज़ के अंदर भगवान ने ऐसे सिक्स सेंस दे रखी है जिसके थ्रू वो पता कर लेती कि सामने वाला जो है वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या किस तरीके से वो उनको अप्रोच कर रहा है, वो अप्रोच वो समझ बैठती है। और अगर उसके बावजूद भी जैसे आप देख रहे हैं शोषण न केवल जो है घर के बाहर है, घर की चार दीवारी में भी है। जी बिल्कुल। तो हम लोग ऐसे काउंसलर्स अपने साथ रखे हैं, ऐसे एडवोकेट्स हमारे साथ हैं जो कल को इनको अगर कहीं आगे भी जाना है तो उनके साथ हम लोग खड़े हैं। अच्छा, ये आपके साथ जो है? जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे फाउंडेशन के मेंबर हैं। आपका नाम सर? संजय यादव मेरा नाम है। संजय भाई, आप इनके साथ किस तरह से हेल्प कर रहे? मैं एज ए मेंबर हूँ और जहाँ भी जरूरत होती है, जो पिछले वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, झुग्गी झोपड़ी वाली महिलाएं हैं, उनमें जहाँ भी हमारा साथ होता है मैडम का साथ देते हैं। जैसे किसी को कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, पुलिस जाना है, कोर्ट कचहरी जाना है, उनको कहीं भी छोटा मोटा न्याय दिलवाना है, वो बराबर हम लोग साथ रहते हैं और मिलते जुलते भी रहते हैं मैडम से। काफ़ी लोग हमारे मेंबर बने हुए हैं साथ में जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा पूरा जो जोर शोर है वो महिलाओं पर और लड़कियों पर, जो जितनी भी निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनको सपोर्ट करते हैं। सर आपका नाम? नितिन यादव। अच्छा यादव भाई, ये बताइए, जैसे इन्होंने मैडम ने कहा और आपने बताया, तो आप क्योंकि किस तरह से लोगों की जो मदद, खासकर लड़कियां हैं, जैसे कुछ महिलाएं परिवार में ऐसी होती हैं जिनके पास पैसों का अभाव होता है, हम अपनी साइड से कोशिश करते हैं कि उनको कोई रोज़गार स्टार्ट कराएं, उनको मशीनरी मशीनरी मुहैया कराएं जिससे वो अपने हैंडमेड छोटे मोटे काम, हाँ जी, आत्मनिर्भर हो जाए। दूसरा, अगर हमारे पास कोई भी वैकेंसी आती है तो हम कोशिश करते हैं कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के उन्हें वो नौकरी दिलाएं ताकि वो अपने घर का खुद अपने आप खर्चा चला सकें। देखिए, इन्होंने बताया कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें जो आत्मनिर्भर बने, किसी को कोई मशीन या कोई छुटपुट है, अपना कोई परेशानी है उसको बताया, भाई ने भी बताया कि कोई ऐसी बात है तो हमें बताया, हम उसको देखते हैं। अब मैं सिर्फ मैडम के माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ। मैडम, जो नई उम्र की टीन एज की बच्चियाँ या जो आने वाली हैं, कोई एक्टिंग में अपना, कोई किसी चीज़ में अपना रोज़गार बना मुहैया कराना चाहिए, आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी संस्था के माध्यम से? जी, जैसा कि मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हम लोग थिएटर बैकग्राउंड से रहे हैं, हम लोग एक्टिंग और फिल्म से भी जुड़े हुए हैं, तो ये एक चकाचौंध की दुनिया होती है। तो जो हमारी टीनेजर्स लड़कियां होती हैं वो आगे पीछे की चीज़ को बिना सोचे समझे इस चीज़ में आ जाती हैं।
तो मैं ये बोलूँगी कि आपको पहले हर क्षेत्र का जो है प्रॉपर नॉलेज और ज्ञान लेना ज़रूरी है कि उसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे मुझे जाना है, और हर चीज़ का एक क्वालिफिकेशन होता है। लड़कियाँ जो हैं वो ये सोचती हैं कि इसमें मतलब हमारा सिर्फ अच्छा लुक है, हम अच्छे से बोल पाते हैं तो हम किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन मैं बता दूँ और ये मैसेज देना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि कहीं पर भी आपका एजुकेशन बहुत मायने रखता है, आपकी क्वालिफिकेशन बहुत मायने रखती है। तो आप लोग अंधाधुंध किसी को फॉलो ना करें, अपने माँ बाप की बात सुने और माँ बाप के सपोर्ट से ही आप लोग कोई भी फील्ड चुने और उनके सहयोग से ही आगे बढ़ें। बाकी हमारी जो संस्था है, हमारी संस्था से आप लोग जुड़ें, और जिन भी लड़कियों को अगर काउंसलिंग चाहिए और कहीं पे भी एजुकेशन चाहिए तो उसके लिए हम लोग ऑलवेज आप लोग के साथ हैं। देखिए, ये थी हमारे साथ मैडम, इन्होंने ये बताया कि अगर किसी को कोई ज़रूरत है, खास को एक्टिंग में जाना चाहता है या किसी और फील्ड में जाना चाहता है, चकाचौंध की दुनिया में जाना चाहता है, लेकिन उसके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन के साथ साथ आपको एक्टिंग भी आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि किसी ने आदमी ने देखा और आपको कह दिया कि आपका लुक बहुत अच्छा, आप हीरोइन बन सकती हैं, और वो कहीं से कहीं पहुँच जाती है। इस बारे में काउंसिलिंग भी करती हैं कुछ ये भाई बहन की जो संस्था इनके मेम्बर हैं, कोई भी और इनकी मदद है तो इसकी मदद के लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। एकदम अंधविश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए। जो इस तरह का अंधविश्वास किसी पर करते हैं, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो या कोई भी हो, वो हमेशा धोखा ही खाता है। धोखे से बचने के लिए अपनी जागरूकता ज़रूरी है, अपनी सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है, अपनी तीसरी आँख का ख्याल रखें और लोगों को समझें। नहीं समझ में आ रहा तो किसी और अड़ोस पड़ोस से पूछ लें कि ये बात ऐसी है तो इस बारे में हमको किस तरह से मशवरा लेना चाहिए। और जो वही लोग होते हैं जो सही मशवरा देते हैं, और मीठे लोगों से बचना चाहिए। अगर कोई कड़वा आदमी आपको कड़वी बात बता रहा है, क्योंकि कड़वा हमेशा सच होता है। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।